ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। नमस्कार, मैं हूँ राजेश। आज इस वीडियो में हम लोग क्रेटा एस एक्स और एस एक्स ऑप्शनल का जो ईवीएम सिस्टम आता है उसके बारे में बात करेंगे। अभी एस एक्स और एस एक्स ऑप्शनल के ईवीएम में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे ये एस एक्स ऑप्शनल है तो इसका बॉश का साउंड सिस्टम है, और एस एक्स में अरकमिश साउंड सिस्टम आता है। तो उसमें इक्वलाइजर में आपको प्रीसेट्स मिलते हैं, जैसे रॉक हो गया, फिर लाइव वैसा, बट इसमें नहीं मिलता। तो ऐसे छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, बट मोस्टली सेम ही रहेंगे। तो वीडियो के अंत तक मैं साउंड क्वालिटी टेस्ट करा दूंगा। आप देख सकते हो मैं इधर पेन ड्राइव में गाना लेके आ गया, तो वो भी एंड में बजा के दिखा देंगे। तो शुरू करते हैं बटन के साथ। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये साइड के जो बटन्स हैं वो आपके एवीएन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये साइड के बटन्स जो है वो मोस्टली एमआईडी और उसका क्रूज़ कंट्रोल, ये सब के लिए। तो इसका वीडियो किसी और दिन। तो अभी इन बटन्स में ये वाला जो है ये आपका ब्लू लिंक का वॉइस कमांड का बटन है। इसको दबाते ही आपका ब्लू लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। देन ये मोड है, ये मोड आपका मल्टीपल मीडिया स्ट्रीम से, जैसे आप अभी एफएम बजा रहे हो तो उसको स्विच करना है आपको यूएसबी वीडियो या फिर यूएसबी म्यूज़िक में, उसमें स्विच कर सकते हैं। ये ट्रैक को चेंज करने के लिए, या फिर एफएम में हो तो एफएम का चैनल चेंज करने के लिए। नीचे ये वाला कॉल रिसीव करने के लिए, ये कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए, और ये वॉल्यूम का। और वॉल्यूम का ऐसे बीच में सेंटर से प्रेस करोगे तो वो म्यूट हो जाएगा, सेंटर से प्रेस करोगे तो वापस अनम्यूट हो जाएगा। और ये अप और डाउन है, सेम इसका भी अप और डाउन है, बट इसका कोई सेंटर प्रेस नहीं है। तो ये गया ये बटन्स का फंक्शनलिटी। तो अभी हम लोग एवीएन में स्विच करते हैं। अभी एवीएन में मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये सारे फिजिकल बटन्स हैं, यहाँ से भी सारे फिजिकल बटन्स हैं। आप ये जो रोटरी नॉब वॉल्यूम के लिए है, आप इसको ऐसे प्रेस करके एवीएन को ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आपको एवी ऑफ दिखा रहे हैं। तो अभी इसको फिर से प्रेस करके मैं ऑन कर लेता हूँ, वॉल्यूम अभी कम ही रखते हैं। तो ये आपका बेसिक होम स्क्रीन है। अभी इसको इसमें भी मल्टीपल प्रेसेस, जैसे ये हो गया विजेट टाइप का जो अपने फ़ोन में रहता है, इसको स्क्रॉल करेंगे तो बाकी आइकन्स भी है उसमें जो अपने फ़ोन्स में भी रख सकते हैं, उसी टाइप का आइकन्स आप रख सकते हैं इसमें। अभी ये जो विजेट है और ये आइकन्स है उनका ऑर्डर या फिर कौन कौन सा रखना है ये हम लोग यहाँ से स्विच कर सकते हैं। हाथ के लिए फोकस ख़राब हो रहा है, कोशिश करता हूँ वापस लाने का। हाँ, तो यहाँ से ये जो है एडिट होम आइकन्स, आपका आइकन्स को रीऑर्डर करने या फिर कुछ वहाँ से निकालने के लिए, ऐड करने के लिए काम आता है। ये होम स्क्रीन को होम स्क्रीन विजेट में आप कुछ अगर ऐड करना चाहते हो तो वो सिर्फ आप यहाँ से कर सकते हो। मुझे अभी चेंज करना है, नहीं चलो नेविगेशन को फिर भी चेंज करके दिखा देते हैं। तो मैं अभी बैक कर गया। सेम आप इन सब को भी चेंज कर सकते हो। तभी फिर से बटन्स में आते हैं। पहला बटन है आपका मैप के लिए। तो अभी यहाँ पर आपको दो बटन दिखेंगे, एक नेविगेशन का, एक मैप का। डिफरेंस क्या है, जब आप मैप में क्लिक करते हो तो सीधा आपको वो मैप का व्यू देता है, और आप अगर नेविगेशन में क्लिक करते हो इसमें आपको सारा ऑप्शंस दिया जाएगा, जैसे आपका कोई एड्रेस सेव्ड है या फिर हुंडई सर्विस सेंटर का डायरेक्ट एड्रेस चाहिए है, या फिर आप कहीं पे सर्च करके जाना चाहते हो, वो सब ऑप्शंस और आपका सेव्ड एड्रेस सारा ये नीचे दिख रहा होगा आपको। अभी मैप में जाएंगे, यहाँ से हम लोग सर्च करके भी कोई डेस्टिनेशन डाल के उसमें हम लोग टर्न बाय टर्न नेविगेशन ऑन कर सकते हैं। आप अगर देख सकते हो तो यहाँ पे एक लाइव दिखा रहा है ग्रीन कलर का, इसका मतलब ये है कि ब्लू लिंक से सिम से डेटा लेके लाइव ट्रैफिक डेटा के हिसाब से आपको रूट दिखाएगा। पुराना I-20 ये सब में जो रहता है वो ऑफलाइन मैप था, जहाँ पे आपको ट्रैफिक अपडेट नहीं मिलते थे, तो वो वाला उतना यूज़फुल नहीं था। और यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स भी है, कहाँ पे पार्किंग है, कहाँ पे फ्यूल पंप है। फिर आते रेडियो वाला बटन में, रेडियो क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका सारा जो रेडियो का चैनल आपने स्टोर किया हुआ वो सब है, और राइट साइड में उसका एक्चुअल चैनल दिखा रहा होगा। अभी इसको क्लिक करके मैं उसको फेवरेट्स में ऐड कर सकता हूँ। अभी वाइट है, इसको जब क्लिक करूँगा तो वो ये ब्लू हो जाएगा। ऐसे हम उसको फेवरेट्स में ऐड कर सकते हैं, अभी निकाल भी सकते हैं ऐसे। तो अभी इसमें एक बार प्रेस करेंगे तो 0.1 MHz करके चेंज होगा, बट अगर प्रेस करके रखेंगे तो वो चैनल स्कैन करेगा। अभी जैसे मैं बेसमेंट में हूँ तो चैनल्स आएगा नहीं यहाँ पे,
तो उसको मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ से आप बैंड सिलेक्ट कर सकते हो, आपको FM में रहना है कि AM में जाना है। और यहाँ पर आपको फेवरेट जो आपने अभी जो वो स्टार मार्क में क्लिक करके रखा था वो सब आपको यहाँ पे ऐड हो जाता है। यहाँ पर रेडियो पर भी आपको मेनू पे ऐसा ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से आपको डिलीट कर सकते हो जो भी आपने फेवरेट्स में सेट किया है। रेडियो के बाद हम लोग आते हैं मीडिया में। अभी मीडिया में जब आते हैं, लास्ट में ब्लूटूथ ऑडियो से प्ले किया था इसलिए ब्लूटूथ ऑडियो दिखा रहा है। अभी मैं अगर पेन ड्राइव लगाता हूँ, अभी आप देख सकते हो मैंने पेन ड्राइव लगा दिया, यहाँ पे लिखा रहा है, पॉज कर देते हैं इसको, यहाँ पे लिखा रहा है रीडिंग USB। तो अभी एक अपना जो USB के अंदर जो वीडियोज़ है वो दिखा रहा है। फिर से मैं मीडिया में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे सारा ऑप्शंस दिखा रहा है, ब्लूटूथ ऑडियो, USB वीडियो, USB म्यूज़िक, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। तो अभी अगर मैं USB म्यूज़िक में जाता हूँ, अभी इस पार्ट को मुझे थोड़ा, नहीं तो कॉपीराइट इशू आ सकता है। तो ये रहा उसका वॉल्यूम का नॉब। फिर ये है, हम लोग यहाँ से गाने का ट्रैक चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे पीछे भी जा सकते हैं। ये एक बटन है जिसमें आप सेटअप करके रख सकते हो कि आपको कौन सा चीज़ इसमें देखना है। जैसे मैंने इसमें अभी अपना एयर प्यूरीफायर को सेटअप करके रख दिया, अभी ये ऑन नहीं रखा क्योंकि बहुत आवाज़ करेगा, फिर वीडियो में नॉइजेस ज़्यादा रहेंगे। और ये रहा अपना ओवरऑल सेटअप का स्क्रीन। पहले व्हीकल सेटअप में जाते हैं। व्हीकल सेटअप में आपको व्हीकल का जो वार्निंग वॉल्यूम है सेट कर सकते हो कि आपको वो जो वार्निंग बीप है वो ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए। फिर आप जाते हो तो यहाँ पे लाइट्स का सेटिंग्स है, हेडलाइट टाइम आउट भी आप सेट कर सकते हो। और हम लोग जब भी इंडिकेटर्स दबाते हैं, एक बार इधर दिखा देता हूँ मैं, ऐसे एक ही बार इंडिकेटर को लेफ्ट किया, लेन चेंज इंडिकेटर जिसको बोलते हैं, तो ये 3 बार फ्लैश हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 सेटअप किया हुआ है। तो इसका सेटअप भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। भी डोर में स्पीच सेंसिंग ऑटो डोर लॉक ऑन रखना है कि नहीं रखना है वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं। और जब भी हम लोग गाड़ी बंद करते हैं तो डोर्स अपने आप अनलॉक हो जाएंगे या नहीं होंगे वो हम लोग यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। अभी मैं उसको ऑटो अनलॉक व्हीकल लॉक में रखा हुआ हूँ, इसको इस ये सेटअप में भी रख सकते हैं। जब भी हम लोग गियर बॉक्स को पार्किंग में लेके आएंगे, गियर नॉब को, तभी ये अनलॉक हो जाएगा, वो सेटअप भी रख सकते हैं, कम्प्लीटली ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये सेटअप हो गया। क्लस्टर मतलब ये जो MID डिस्प्ले है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ जो ऑड जैसा दिखता है कि क्लस्टर में इन लोगों ने ये ऐसा डिज़ाइन दिया है, बट ये डिज़ाइन एक्चुअली सेल्टॉस का है, क्रेटा का नहीं है, तो शायद क्विक करना भूल गए पता नहीं, बट हाँ जो है। तो इसमें हम लोग अपना सर्विस इंटरवल एनेबल कर सकते हैं, पहले वाले उसमें कि नेक्स्ट कितना किलोमीटर पे हम लोगों को सर्विस कराना है, यहाँ पे क्या क्या वार्निंग्स आएगा उसके उसको भी सेटअप कर सकते हैं। और ये वेलकम साउंड क्या है कि जब भी मैं गाड़ी ऑन ऑफ करता हूँ, ऑन करता हूँ तब भी एक हुंडई का एक म्यूज़िक बजता है, उसमें पूरा गाड़ी का स्कैन होता था, एक म्यूज़िक दिखाता है, वो वाला साउंड का यहाँ से हम लोग ऑफ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आ गया कन्वीनियंस। अभी इस गाड़ी में वायरलेस चार्जर है तो ये कन्वीनियंस के सेटअप में वायरलेस चार्जर को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। लाइक अभी आपके पास अगर कोई वायरलेस चार्जिंग फ़ोन नहीं है तो आपको आप इसको ऑन रख के कोई फ़ायदा नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। पहला ऑप्शन जो है एक्टिवेट ऑन वाशर फ्लूइड, जो हम लोग जब भी ये अपना वाशर फ्लूइड का, अभी अंधेरे के लिए दिखाई नहीं दे रहा, ये अपना वाशर फ्लूइड का नॉब है, उसको जब भी ऑन करते हैं तो ये बाहर का एयर सर्कुलेशन बंद कर देगा ताकि आपको वाशर फ्लूइड का स्मेल ना आए। नेक्स्ट ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक वेंटिलेशन, उसमें हम लोग ये वाला ऑप्शन जब भी बंद, ऐसा साइन आपको लाइट दिखेगा तो उसका मतलब ये है कि गाड़ी का बाहर से एयर नहीं ले रहा, सिर्फ अंदर का एयर को ही सर्कुलेट कर रहा है। अब जब अंदर का एयर को सर्कुलेट कर रहा है तो बहुत लोगों को सफोकेशन जैसा फील होता है, तो ये वाला ऑप्शन ऑन रहेगा तो बीच बीच में वो उसको एडजस्ट करेगा, बाहर का एयर भी लेके आएगा। अभी रिसेट से आपका पूरा AVN को रिसेट कर सकते हैं, जो हम लोग अभी नहीं करेंगे ऑब्वियसली। तो अभी नेविगेशन में पहला जो दिखा रहा है कलर थीम, 2 टाइप का कलर थीम है मैप में, आपको कौन सा चाहिए उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर मैप व्यू, आपको 3D बिल्डिंग्स ये सब देखना है कि 2D में देखना है।
अभी हम लोग जब भी नेविगेशन ऑन करते हैं तो वहाँ पे अपना करंट कार का लोकेशन का एक मार्किंग रहता है, तो मार्किंग में ऐसा प्लेन एरो रखना या फिर उसके साथ उसका कॉम्पस भी ऐड करना है, वो चीज़ यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अभी फिर गाइडेंस में आएंगे तो यहाँ पे स्पीड लिमिट्स भी ऐड करना है, गाइडेंस में नहीं करना है, अभी ऑफ है, उसको मैं ऑन कर देता हूँ। फिर राउट्स में बेस्ट जो ऑप्शन है वो दिखा है या फिर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखा है जिसमें से आप चूज़ कर सको, वो यहाँ पे दिखा रहा है। फिर यहाँ पर फिर से सारा चीज़ें को रिसेट कर सकते हैं हम लोग मैप का। फ़ोन कनेक्टिविटी में जाएंगे तो यहाँ पे ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले का सेटिंग मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आप ब्लूटूथ को नया किसी ब्लूटूथ अगर डिवाइस पेयर करना है तो आपको इसी ऑप्शन में जाना होता है, जहाँ वहाँ पर जाके आप नया कनेक्शन को पेयर कर सकते हो। अभी आते हैं हम लोग ब्लू लिंक सेटिंग में। तो ब्लू लिंक सेटिंग में ज़्यादा कुछ बात करूँगा नहीं, ब्लू लिंक के एक्टिवेशन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, आप वो देख सकते हो कहीं पे, इधर उधर कहीं पे मैं लिंक दे दूँगा। यहाँ पे जनरल सेटिंग में जाते हैं। जनरल सेटिंग में आपका 24 आवर्स फॉर्मेट में दिखाना है कि 12 आवर फॉर्मेट में, वो उसका ऑप्शन है। फिर लैंग्वेज सेटअप कर सकते हैं, हमारा जो टेम्परेचर दिखाता है उसका सेल्सियस में दिखाना है कि फारेनहाइट में दिखाना है, वो चेक कर सकते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी किलोमीटर पर लीटर और लीटर पर 100 किलोमीटर, दो ऑप्शन होता है, एक लीटर में कितना किलोमीटर जाएगा। और दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो ये दिखाएगा आपको अगर 100 किलोमीटर चलना है तो कितना लीटर का फ्यूल चाहिए होगा। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इंडिया में मोस्टली किलोमीटर पर लीटर का ही हिसाब होता है। मैं एनालॉग क्लॉक रखा हूँ, जब भी MID को बंद करूँगा तो एनालॉग क्लॉक दिखेगा। यहाँ पे मुझे सिस्टम इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। साउंड में आते हैं तो यहाँ पे पोजीशंस का हम लोग, जैसे हुंडई का बाकी गाड़ियों में भी देखा ये ऑप्शन हमने, कोई भी एक सीट के हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं पोजीशंस को। अभी सेंटर भी कर सकते हैं या थोड़ा लेफ्ट आगे, वैसे तो ये गाना बजाने के टाइम पे अच्छे से ये पता चलेगा। तो वॉल्यूम लेवल इधर पे, जब भी आपका गाना बज रहा है उस टाइम सिस्टम साउंड जो है वो कितना वॉल्यूम पे रहेगा वो सब सेटअप है यहाँ पे। नेविगेशन का साउंड कितना वॉल्यूम पे रहेगा वो सब। अभी इक्वलाइजर में जब आते हैं तो यहाँ पे आपको मैनुअल इक्वलाइजर दिया हुआ है, मतलब आप खुद से सेटअप कर सकते हो आपको किस टाइप का ट्रेबल और बेस का सेटअप चाहिए। ये सेटअप जो मैं यूज़ करता हूँ ये वो है। अभी वॉल्यूम रेशियो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, नेविगेशन को ज़्यादा देना है या फिर आपका जो मीडिया चल रहा है उसको देना है। तो वैसे आपका मल्टीपल ऑप्शन है, एक एक में जाएंगे तो एक घंटे का वीडियो बनते जाएगा। अभी आप नेविगेशन के वॉल्यूम बटन का भी आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पे स्पीड सेंसिंग डायनामिक साउंड एडजस्टमेंट का ये ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन क्या करता है, आपका जब भी स्पीड ज़्यादा होता है उसके हिसाब से वॉल्यूम को एडजस्ट करेगा ताकि आपको म्यूज़िक का जो फील है वो अच्छे से सुनाई दे। ये गया हमारा साउंड का। डिस्प्ले में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप ऑटो डिमिंग डिस्प्ले रख सकते हो, जैसे अपने फ़ोन में होता है कि आप बाहर सनलाइट में गए तो डिस्प्ले का ब्राइटनेस अपने आप बढ़ गया, अगर कहीं पे डार्क जगह पर आए तो डिस्प्ले का ब्राइटनेस अपने आप कम हो जाएगा, वो चीज़ आप यहाँ से रख सकते हो। फिर ब्राइटनेस आप मैनुअली भी सेटअप कर सकते हो, कितना रहना चाहिए ब्राइटनेस, ये डिजेबल रहेगा क्योंकि हमने वो ऑटोमेटिक किया हुआ है, तो डे और नाइट का हम लोग मैनुअल सेटअप नहीं कर सकते। तो अभी आता है वॉइस रिकॉग्निशन पे, आप हेलो ब्लू लिंक बोल के उसको, ये एक्टिवेट हो गया, एक सेकेंड, यहाँ से आपको हेलो वो वर्ड बोल के, ये वर्ड बोल के उसको एक्टिवेट करना है कि नहीं, वो चीज़ आप रख सकते हो यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन जो है वो है जब हम लोग ब्लू लिंक को या फिर वॉइस कमांड देने जा रहे थे तो बाकी जो ऑडियो है उसको थोड़ा वो लो कर देगा। एडवांस सेटअप में जाते हैं, आप मान लो अभी नेविगेशन चल रहा है आपका कहीं पे, रूट आपने डेस्टिनेशन डाला हुआ है, आपने मीडिया बटन दबा दिया और वो मीडिया पे चला गया डिस्प्ले, तो फिर 10 सेकंड के बाद अपने आप वो वापस मीडिया से अपने मैप में वापस आ सकता है। यहाँ पे कस्टम बटन, ये जो कस्टम बटन मतलब ये जो हमारा ये स्टार वाला बटन है उसके साथ किसको मैप करना है वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने उसके साथ एयर प्योरीफायर को मैप किया होता जो आप पहले भी देख चुके हैं। स्टीयरिंग व्हील मोड बटन, सो ये जो मोड बटन है इसके क्लिक में कौन कौन से सोर्स के बीच में ये स्विच करेगा उसका भी सेटिंग आप कर सकते हो। तो यहाँ पे USB म्यूज़िक, FM और ऑडियो डाला हुआ है, ब्लूटूथ ऑडियो, मतलब मैं अगर मोड बार बार दबाऊंगा भी तभी वो कभी USB वीडियो में नहीं जाएगा, उसके लिए मुझे यहाँ से मीडिया से ही होके जाना पड़ेगा। तो ये वो सेटअप है।
अभी होम स्क्रीन में आपका जो सेम ऑप्शन जो था ये विजेट चेंज करने का, फिर से मैं नेविगेशन डाल देता हूँ, उस टाइम पे चेंज किया था। अभी ये जो स्प्लिट स्क्रीन है, स्प्लिट स्क्रीन कहीं से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, वो एक्चुअली यहाँ पे एक एरो है उसको आप क्लिक करोगे। अभी सेटअप स्क्रीन में इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है, मैं सेटअप स्क्रीन से निकल जाता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। अभी देख रहे हो ये स्प्लिट स्क्रीन इनेबल कर दिया, उसमें अभी हम लोग लिस्ट में ऑप्शंस रख सकते हैं क्या क्या रखना है हमें, तो उसी का सेटअप था वहाँ पे। मैं इसको फिर से बंद कर देता हूँ करके, अभी स्प्लिट स्क्रीन सेटअप में, तो यहाँ से हम लोग रख सकते हैं कि क्या क्या चाहिए, कौन से ऑर्डर में चाहिए, वो हम लोग यहाँ से स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग USB में एक फॉर्मेट में एड्रेसेस को स्टोर करके वहाँ से हम लोग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप देखोगे तो ये बटन दिख रहा है, जो कि जब भी गाड़ी चल रहा होगा इसको प्रेस करने से यहाँ पे रियर व्यू कैमरा का फीड यहाँ पे दिखाई देगा, उसको हम लोग हमेशा के लिए ऑन रख सकते हैं या फिर बटन क्लिक में ऑन रख सकते हैं। तो ये भी गया सेटिंग्स। तो यहाँ पे एक डिस्प्ले ऑफ का भी ऑप्शन है जो कि आपको ग्रीन सेवर में लेके चला जाता है। इतना था सेटिंग्स का, बट अभी मैं आपको यहाँ से मीडिया चला के दिखा देता हूँ। तो साउंड टेस्ट के लिए सीधा वीडियो चलाते हैं। तो अभी जो ऑडियो आप सुन रहे हो वो मेरे माइक के थ्रू हो रहा है, जो उतना एक्यूरेट नहीं रहेगा, फिर भी कोशिश करता हूँ। अभी बहुत ही कम वॉल्यूम में उसको भरा के रख सकते हैं थोड़ा। इसको प्रेस करके मैं यहाँ पे जब म्यूट करता हूँ तो ऑडियो या वीडियो जो भी चल रहा है वो अपने आप पॉज भी हो जाता है, अनलेस ये रेडी हो तो पॉज नहीं होगा। अभी फिर से मीडिया में जाके, ऐसे मैं USB वीडियोज़ में जाता हूँ जहाँ से, इससे आपको थोड़ा वीडियो क्वालिटी के बारे में भी आइडिया लग जाएगा। इन पर्सन इसे भी ज़्यादा अच्छा दिखता है स्क्रीन। अभी फ़ोन अच्छे से फोकस भी नहीं कर पा रहा, तो इसलिए थोड़ा आपको डल जैसा दिख रहा होगा इमेजेस, बट इन पर्सन और भी अच्छा दिखता है। ओके, मैं इसको पॉज कर देता हूँ और नॉर्मल ऑडियो चला के देखते हैं एक बार। अभी मैं हिंदी गाना बजाने वाला हूँ जो कि मैं इंस्टाग्राम में डाल दूँगा, बट कॉपीराइट के लिए यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। तो आपको हिंदी गाने को अगर सैंपल चाहिए तो आप इंस्टाग्राम में जाके देख सकते हो मेरे। जाने से पहले एक और चीज़ दिखा देते हैं। तो ये जो है वो अभी करंट टाइम है, आप देख सकते हो रात को मैं शूट कर रहा हूँ, दिन में ऑफिस के लिए टाइम नहीं मिलता। तो ये आज का डेट है और ये अभी जो फ़ोन कनेक्टेड है मेरा ब्लूटूथ से, उसका बैटरी दिखा रहा है जिससे मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो उसका बैटरी बहुत लो होने वाला है। ब्लूटूथ से उसका म्यूज़िक कनेक्टेड है, फ़ोन का जो नेटवर्क रिसेप्शन है वो भी दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, कुछ क्लिक हो गया वहाँ पे, और ये ब्लू लिंक का नेटवर्क रिसेप्शन दिखा रहा है, और ये जो स्प्लिट स्क्रीन वो हमेशा ही अवेलेबल रहता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको अगर इसके बारे में और भी कुछ जानना है डिटेल्स में जो मैं मिस कर गया, तो आप कमेंट में क्वेश्चन करें।
ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। थैंक यू।